तलबा व तालबात फारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के जरिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली नई तालीमी वीडियोस आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम और दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है, आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। स्टूडेंट्स, आई एम टेकिंग ऑल दिस कंटेंट्स ऑफ दिस चैप्टर फ्रॉम द पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस यूनिट नंबर 9, ऑल इज़ नॉट लॉस्ट, विच मीन्स सब कुछ ज़ाया नहीं होता। दिस स्टोरी इज़ अबाउट अ नर्स। द नर्स मैंशन इन द लेसन इज़ रियली काइंड हार्टेड एंड कम्पैशनेट। शी नर्स्ड हर पेशेंट हु वॉज अ यंग बस एक्सीडेंट विक्टम with great care and devotion. She left no stone unturned to look after her and nursed her back to health. The patient had received severe head and spinal injuries. She was unable to move her arms and legs and to speak. When she did not make any recovery, she was declared a hopeless case. The senior doctors gave orders to shift her to the general ward. The nurse was shocked to hear this. She made up herself to risk her career to help the patient. To her, it was not justifiable to leave the patient unattended. She pleaded to be allowed to nurse her patient in the intensive care unit, means ICU. The kind nurse did exercises with her patient to help her make recovery. In the meantime, the nurse was sent on a 3-month training course to Karachi, but she did her best to leave her patient in good hands before her departure. The nurse's efforts bore fruit. When she returned after 3 months, she found her patient standing before her with a sweet smile on her lips. The patient and all the members of her family were extremely grateful to the nurse. Nursing is an underrated profession in Pakistan. We do not value it the way we value some other professions. The story highlights the importance of nursing profession and how the sincere efforts and strong determination of a nurse saves a patient from a near crippling stage. Teachers must apprise students about the importance of profession and need to work honestly and sincerely and give one's best to them. So students, this was all about the introduction about the chapter. Now we move on to the translation. First paragraph: It was the beginning of my profession as a nurse. I worked in the intensive care unit of the neurology ward. As a young professional, I wished to save the world. I was excited to see the patient making quick recoveries from devastating accidents, yet I was pained to nurse those who were struck with acute neurological disorder. एक नर्स की हैसियत से ये मेरे पेशे का आगाज़ था। मैं असाबी अमराज के वार्ड में इंतहाई निगहदाश्त के शोबे में काम करती थी। एक नौजवान पेशावर की हैसियत से मैं दुनिया को बचाने की ख्वाहिश रखती थी। मैं मरीजों को तबाह कुन हादसात से जल्द सेहतयाब होता हुआ देखने के लिए बेताब रहती थी। फिर भी मुझे उन लोगों की तीमारदारी करने में तकलीफ़ होती जो शदीद असाबी मर्ज़ का शिकार हो जाते थे। स्टूडेंट, देयर इज अ क्वेश्चन इन द बॉक्स, व्हाट इज़ एन ICU इन अ हॉस्पिटल? हॉस्पिटल में एक ICU नाम का कमरा होता है, वो क्या होता है? सो द आंसर इज़ ICU इज़ द एब्रिवेशन फॉर इंटेंसिव केयर यूनिट। इन दिस पेशेंट्स आर गिवन इंटेंसिव केयर यूजिंग मेडिकल इक्विपमेंट्स। ICU का मतलब होता है बेटा इंतहाई निगहदाश्त वाला कमरा। इसके अंदर जो क्रिटिकल पेशेंट्स होते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा या इंतहाई निगहदाश्त की ज़रूरत होती है या ख्याल रखने की ज़रूरत होती है, उनको इस कमरे के अंदर मुंतकिल किया जाता है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा
मेडिकल इक्विपमेंट या सामान मौजूद होता है. नाउ वी मूव ऑन टू द डिफिकल्ट वर्ड्स प्रोनंसिएशन मीनिंग्स एंड सिनोनिम्स रिलेटेड टू द पैराग्राफ नंबर वन. फर्स्ट वन इज प्रोफेशनल. प्रोफेशनल दिस वन इज प्रोनंसिएशन मीनिंग इज पेशावराना एंड द सिनोनिम इज एग्जेक्टिव. डिवास्टेटिंग. डिवास्टेटिंग का मतलब होता है बेटा तबाहकुन, शॉकिंग. स्ट्रक, लाहक हो जाना. अफेक्ट, एक्यूट, शदीद यानी कि स्वेयर. रिकवरीज, सेहतयाब हो जाना. हीलिंग, हीलिंग का मतलब भी सेहतयाब होना होता है. केयर, तवज्जो. कॉशन का मतलब भी एहतियात होता है. पेन, दर्द होना, सफरिंग. ठीक है. नाउ वी मूव ऑन टू द डिफिकल्ट वर्ड्स एंड देयर सेंटेंसेस रिलेटेड टू द पैराग्राफ नंबर वन. फर्स्ट वन इज प्रोफेशनल. सो द सेंटेंस इज शी इज अ प्रोफेशनल एक्ट्रेस. डिवास्टेटिंग, द न्यूज वॉज डिवास्टेटिंग टू अस. स्ट्रक, द स्टोन स्ट्रक हर ऑन द फोरहेड. नाउ वी मूव ऑन टू द पैराग्राफ नंबर टू. वन डे स्टैंडिंग एट द बिसाइड ऑफ अ यंग पेशेंट आई वंडर्ड इफ शी कैन मेक द सेम रिकवरी लाइक अदर्स. हीरा हैड रिसीव्ड सीवियर हेड एंड स्पाइनल इंजरीज एज शी वॉज हिट बाय अ स्पीडिंग बस वाइल क्रॉसिंग अ बिजी रोड. एक दिन बस हादसे की एक शिकार एक नौजवान लड़की के सरहाने खड़े होकर या बिस्तर के करीब खड़े होकर मैंने सोचा कि क्या वो भी दूसरों की तरह सेहतयाब हो सकेगी. हीरा को दिमाग, यानी पेशेंट का नाम हीरा है, हीरा को दिमाग और रीढ़ की हड्डी के शदीद जख्म आए थे जब वो एक मारूफ शहरा या सड़क को पार करते हुए एक तेज़ रफ्तार बस से टकराई. आई टुक लाइफलेस आर्म्स इन माई हैंड्स एंड ट्राइड टू डू सेवरल एक्सरसाइज ऑन हर बट इन वेन. Also, I asked her younger sister to come and talk to her, thinking that the voice of a near and dear one might activate the nearly dead neurons. मैंने उसके बेजान बाजू अपने हाथों में लिए और बेसुध इसके बिस्तर पर बहुत सी वर्जिशें कराने की कोशिश की. मैं उसकी छोटी बहन को भी लाई और ये सोचते हुए इससे बात करवाई कि हो सकता है कि एक करीबी रिश्तेदार या प्यारे की आवाज़ तकरीबन मुर्दा असबी खुलियों में हरकत पैदा कर दे. शी कुड सी बट नॉट टॉक. हर आइज शोड अ सर्टन हेल्पलेसनेस. आई कुड रीड हर माइंड थ्रू हर आइज. परहैप्स शी वॉन्टेड टू से प्लीज़ हेल्प मी. वो देख सकती थी लेकिन बात नहीं कर सकती थी. उसकी आँखें ख़ास बेबसी जाहिर करती थी. मैं उसकी आँखों के ज़रिए उसका जहन पढ़ सकती थी. शायद वो कहना चाहती थी कि बराए मेहरबानी मेरी मदद करें. स्टूडेंट्स, देयर इज अ क्वेश्चन इन द बॉक्स. टू व्हाट एक्सटेंट डज द रिकवरी ऑफ अ पेशेंट डिपेंड्स अपॉन द डॉक्टर एंड द नर्स. कि मरीज़ की जो रिकवरी होती है या उसका ठीक होना किस हद तक डॉक्टर या नर्स के ऊपर डिपेंड करता है. सो द आंसर इज द रिकवरी ऑफ अ पेशेंट डिपेंड्स अपॉन द डॉक्टर एंड द नर्स टू अ ग्रेट एक्सटेंट. इफ दे परफॉर्म देयर ड्यूटीज विद डिवोशन सच अ होपलेस केस एज हीरा इज कैन मेक रिकवरी एंड स्टार्ट अ न्यू लाइफ. आंसर है बेटा कि किसी भी मरीज़ की सेहतयाबी उसके डॉक्टर या नर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है. अगर डॉक्टर या नर्सेज अपनी ड्यूटी को अच्छे तरीके से परफॉर्म करें सच्चे लगन के साथ, तो वो हीरा जैसे केस के अंदर जिसके अंदर कोई भी उम्मीद बाकी ना रही हो उसको भी एक नई जिंदगी की तरफ वापस ला सकते हैं. देर आर सम डिफिकल्ट वर्ड्स. देयर प्रोनंसिएशन मीनिंग्स एंड सिनोनिम्स रिलेटेड टू द पैराग्राफ नंबर टू. फर्स्ट वन इज विक्टिम. विक्टिम मीन शिकार होना या ऐसा शख्स जो कि जिसके साथ कोई हादसा हुआ हो. प्रे. इंजरीज. इंजरीज का मतलब होता है चोटें. मीन्स वाउंड. वेन, बेकार, यूजलेस. एक्टिवेट, हरकत में लाना, ऑपरेट करना. हेल्पलेसनेस, बेबसी, वीकनेस. सर्टन, यकीनी, मीन्स श्योर. स्पीडी, तेज़ रफ्तार, मीन्स रैपिड. स्टूडेंट्स, देर आर सम डिफिकल्ट वर्ड्स एंड देयर सेंटेंसेज रिलेटेड टू द पैराग्राफ नंबर टू. फर्स्ट वन इज़ विक्टम. ही बिकेम अ विक्टम ऑफ सर्कमस्टांसिस. वो हालात का या बुरे हालात का शिकार हो गई. इंजरीज. शी सर्वाइव द एक्सीडेंट विदाउट इंजरीज. एक्टिवेट. कुकिंग फ्यूम्स मे एक्टिवेट द अलार्म. तो बेटा यहाँ पर जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे मैंने उनमें से कुछ के सेंटेंसेस बना दिए हैं. बाकी जितने भी वर्ड्स रह गए हैं आपने प्रैक्टिस के तौर पर, होमवर्क के तौर पर आपने उनको सेंटेंसेस में यूज़ करना है खुद से. और यहाँ पर जितनी भी वोकैबुलरी दी गई है, सिनोनिम्स, मीनिंग्स, प्रोनंसिएशन बताए गए हैं,
आपने उनको अच्छे तरीके से याद करना है और डिफ़िकल्ट वर्ड्स जितने भी हैं उनको स्पेलिंग के साथ याद करना है, ये आपका होमवर्क है। नाउ वी मूव ऑन टू द पैराग्राफ नंबर 3। अ फेलो नर्स केम नियर मी एंड आस्क राहिला व्हाट आर यू डूइंग फाइटिंग अ लॉस्ट बैटल। आई वॉज शॉक्ड एट फर्स्ट टू हेयर अ कोलीग मेकिंग अ होपलेस कमेंट, देन आई रिप्लाइड आई एम ट्राइंग टू मेक हर ब्रेन प्रोसेस बाय हर सिस्टर वॉइस। एक साथी नर्स मेरे पास आई और पूछा, राहिला तुम क्या कर रही हो, क्या एक हारी हुई जंग लड़ रही हो। मुझे एक साथी को मायूस कुन तबसरा करते हुए सुनकर पहले सदमा हुआ, फिर मैंने जवाब दिया कि मैं इसके दिमाग को उसकी बहन की आवाज़ के ज़रिए फाल बनाने की कोशिश कर रही हूँ। अल्सो आई एम डूइंग माई बेस्ट टू इंश्योर डैट हर आर्म्स एंड लेग्स गेट प्रॉपर एक्सरसाइज, दिस माइट हेल्प हर वॉक लाइक अ नॉर्मल पर्सन। मीनवाइल अ सीनियर डॉक्टर ऑन ड्यूटी वॉकड इन, ही गेव मी एन आयरोनिक स्माइल एंड सैड, इफ़ यू स्पेंड मोस्ट ऑफ योर ड्यूटी आवर्स ऑन वन पेशेंट वी विल हैव टू रिक्रूट मोर नर्स टू अटेंड द अदर पेशेंट्स। मैं इस बात को यकीनी बनाने की भी भरपूर कोशिश कर रही हूँ कि उसके बाजू और टांगों की मुनासिब वर्जिश हो सके, शायद ये बात उसे एक आम शख्स की तरह चलने में मदद कर दे। इसी वक्त एक बड़े डॉक्टर साहब जो ड्यूटी पर थे अंदर आ गए। वो मेरी तरफ तंजिया अंदाज में हंसे और कहा, अगर तुम अपनी ड्यूटी के ज़्यादातर वक्त एक ही मरीज़ पर खर्च कर दोगी तो फिर हमें दूसरे मरीजों पर तवज्जो देने के लिए मज़ीद नर्सें भर्ती करना पड़ेंगी। प्लीज़ गो एंड सी द अदर पेशेंट्स, वी डू हैव मच होप फॉर हर, आई डोंट थिंक डैट शी कैन एवर वॉक अगेन। बराए मेहरबानी जाकर दूसरे मरीज़ों को देखो, हम इसके लिए ज़्यादा पुर उम्मीद नहीं हैं, मैं नहीं समझता कि वो कभी दोबारा चल सकेगी। ये सारी हीरा के बारे में बात हो रही है, पेशेंट के बारे में। सो स्टूडेंट्स, देर आर सम डिफ़िकल्ट वर्ड्स, प्रोनंसिएशन, मीनिंग्स एंड सिनोनिम्स रिलेटेड टू द पैराग्राफ नंबर 3। फर्स्ट वन इज़ बैटल। बैटल का मतलब होता है बेटा जंग, यानी कि फाइट, शॉक, सदमा देना, अपसेट, इंश्योर यकीन दहानी करना, मेक श्योर रिक्रूट भर्ती करना मीन एम्प्लॉयमेंट, आयरोनिक तंजिया यानी कि स्टिंगिंग, रिप्लाई जवाब देना रिस्पॉन्ड, होपलेस नाउमीद डेस्परेट। स्टूडेंट्स, देर आर सम डिफिकल्ट वर्ड्स एंड देर सेंटेंसेज रिलेटेड टू द पैराग्राफ नंबर 3। फर्स्ट वन इज़ बैटल। वी वॉन द बैटल। शॉक, आई गॉट अ ह्यूज शॉक व्हेन आई सॉ हिम। इंश्योर, वॉश रेगुलरली टू इंश्योर हाइजीन। ठीक है बेटा, यहाँ पर कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मैंने सेंटेंसेस बना दिए हैं, बाकी जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं आपने उनको खुद से प्रैक्टिस करनी है सेंटेंसेस बनाने की, और यहाँ पर जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनकी प्रोनंसिएशन आपने देखनी है अच्छी तरह से, उनके मीनिंग्स को और सिनोनिम्स को देखना है ताकि आपकी वोकैबुलरी अच्छी हो सके, और आपने जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनके स्पेलिंग्स को भी याद करना है। नाउ वी मूव ऑन टू द पैराग्राफ नंबर 4। आई वॉज अपसेट, द एडवाइस टू लीव द पेशेंट अनअटेंडेड डिड नॉट सीम राइट, आई न्यू डैट शी हैड सफर फ्रॉम मेजर न्यूरल डैमेज, बट शी नीडिड टू बी गिवन अ चांस, एंड इनर वॉइस समवेयर विद इन मी स्पोक ट्राई वंस फॉर हर। मैं परेशान थी, मरीजा को या मरीज को बगैर तवज्जो के छोड़ देने का मशवरा दुरुस्त नहीं था। मैं जानती थी कि वो बड़ी असाबी चोट का शिकार हुई है, लेकिन उसे एक मौका देने की ज़रूरत थी। मेरे अंदर कहीं से आवाज़ आई और कहा गया, एक मरतबा उसके लिए फिर कोशिश करो। नाउ पैराग्राफ नंबर 5। आई वेंट टू द सीनियर नर्स एंड टोल्ड हर डैट आई वांटेड टू हेल्प दिस पेशेंट एंड वर्क विद हर मोर क्लोजली। द सीनियर नर्स लुक्ड एट मी विद अटर सरप्राइज एंड रिमार्क डैट शी हैड ऑर्डर्स फ्रॉम द डॉक्टर इन चार्ज टू शिफ्ट हर टू द जनरल वार्ड। मैं बड़ी नर्स के पास गई और उसे बताया कि मैं उस मरीज़ा की मदद करना चाहती हूँ और ज़्यादा करीब रहकर उसके साथ काम करना चाहती हूँ। बड़ी नर्स ने बड़ी हैरानगी से मेरी तरफ़ देखा और बताया कि उसे इंचार्ज डॉक्टर यानी कि सीनियर डॉक्टर की तरफ से हुक्म मिला है कि मरीज़ को जनरल वार्ड में मुंतकिल कर दूँ। The doctors thought that she was a hopeless case and the bed must be spared for the other patient. I was shocked to hear this. The patient's family also requested me to help them fight the case
डॉक्टर समझते थे कि वो एक नाउम्मीद केस है और बिस्तर को दीगर मरीजों के लिए फारिग करना होगा। मुझे ये सुनकर सदमा हुआ। मरीज़ा के ख़ानदान ने भी मुझसे इल्तजा की कि मैं उस मरीज़ा के लिए कोशिश करने में उनकी मदद करूं। आई कुड नॉट लीव माई पेशेंट फाइटिंग अ लॉस्ट बैटल ऑन हर ओन। आई मेड अप माई माइंड टू रिस्क माई कैरियर एंड हेल्प द पेशेंट। आई रिक्वेस्टेड द सीनियर डॉक्टर्स टू अलाउ मी अटेंड दिस यंग हेल्पलेस पेशेंट। सम हाउ आई वॉज एबल टू मेक द पेशेंट स्टे इन द आई सी यू। मैं अपनी मरीज़ा को एक हारी हुई जंग खुद ही लड़ने के लिए नहीं छोड़ सकती थी। मैंने अपने पेशे को ख़तरे में डालने और मरीज़ा की मदद करने का जहन बनाया। मैंने बड़े डॉक्टरों से दरख्वास्त की कि मुझे इस कम उम्र की मरीज़ा पर तवज्जो करने की इजाज़त दें। किसी न किसी तरह मैं मरीज़ा को आईसीयू यानी कि इंतहाई निगहदाश्त के शोबे में ठहराने में कामयाब हो ही गई। स्टूडेंट्स, देयर इज अ क्वेश्चन इन द बॉक्स। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम अबाउट हर प्रोफेशनल स्किल्स फ्रॉम द एक्सप्रेशन ट्राई वंस फॉर हर। हाँ जी, ट्राई वंस फॉर हर के से आप क्या नतीजा निकालते हैं? So the answer is, from this expression we infer that the nurse is well aware of the fact that a good practitioner should strive his level best to treat his patient even if he appears to him a hopeless case. इसका मतलब ये है कि नर्स जो है वो अच्छी तरह से जानती थी कि एक अच्छे शख्स को या एक अच्छे काम करने वाले को पता होता है कि वो किस हद तक मेहनत करके एक होपलेस केस को बेहतर बना सकता है या उसको ट्रीट कर सकता है। नाउ वी मूव ऑन टू द डिफिकल्ट वर्ड्स, प्रोनंसिएशन, मीनिंग्स एंड सिनोनिम्स रिलेटेड टू द पैराग्राफ नंबर 4 and 5। फर्स्ट वन इज सफ़र। सफ़र का मतलब होता है बेटा झेलना या बर्दाश्त करना, मीन्स हर्ट। इनर मतलब ज़मीर या अंदर का। इनसाइड, अटर, मुकम्मल, कम्प्लीट। स्पेयर, छोड़ना, मीन्स बैकअप। रिस्क, ख़तरा, मीन्स डेंजर। जनरल, आम, मीन्स कॉमन। सरप्राइज, हैरानगी, मीन्स शॉक। स्टूडेंट्स, देर आर सम डिफ़िकल्ट वर्ड्स एंड देर सेंटेंसेज रिलेटेड टू द पैराग्राफ नंबर 4 and 5। फर्स्ट वन इज सफ़र। वी सफर्ड अ ग्रेट डील ड्यूरिंग द वॉर। नेक्स्ट वन इनर, एक्सरसाइज गिव्स मी अ सेंस ऑफ इनर काम। अटर, टू माई अटर अमेजमेंट शी एग्रीड। बेटा यहाँ पर कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मैंने सेंटेंसेस बना दिए हैं, बाकी जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनकी प्रैक्टिस आपने घर पर करनी है और इन डिफ़िकल्ट वर्ड्स के जितने भी स्पेलिंग्स हैं इनको आपने याद करना है एज अ होमवर्क। नाउ वी मूव ऑन टू द पैराग्राफ नंबर 6। आई कंटिन्यूड टू वर्क ऑन हीरा बट शी वॉज नॉट मेकिंग मच रिकवरी। आई फेल्ट एज हेल्पलेस एज शी वॉज टू सी हर लाई ऑन बेड इन अ मिजरेबल स्टेट। कुड आई बी एबल टू जस्टिफाई माई स्टांस बिफोर द सीनियर डॉक्टर्स। मैंने हीरा का ख्याल रखना जारी रखा लेकिन वो तेज़ी से सेहतयाब नहीं हो रही थी। मैंने उसे एक काबिले रहम हालत में बिस्तर पर लेटे देखकर उतनी ही बेबसी महसूस की जितनी के वो कर रही थी। क्या मैं बड़े डॉक्टरों के सामने अपने मौक़िफ़ का जवाब पेश कर सकती थी? आई डिड नॉट लूज होप। आई कंटिन्यूड टू वर्क विद पेशेंस एंड kept डूइंग एक्सरसाइजेज विद हर। ग्रेजुअली आई कुड सी हर मेकिंग अ स्लाइट रिकवरी। One day I was thrilled to see she lifted her little finger, all was not lost. मैं ना उम्मीद नहीं हुई। मैंने सब्र व तहम्मुल से काम जारी रखा और उसे वर्जिशें करवाती रही। आहिस्ता आहिस्ता मैं उसे मामूली सा सेहतयाब होते हुए देख सकती थी। एक दिन उसने अपनी छोटी उंगली उठाते हुए देख कर मुझ में खुशी की लहर दौड़ गई। सब कुछ ज़ाया नहीं हुआ था। I was sent on a 3-month training course to Karachi. I made all possible attempts to leave my patient in good hands. I returned after 3 months to see my patient's bed taken up by another. My feet froze to the ground. I did not have the courage to ask what happened. मुझे 3 माह के तरबियती कोर्स पर कराची भेज दिया गया। मैंने अपनी मरीज़ा को बेहतर देखभाल करने वाले हाथों के पास छोड़ने की तमाम मुमकिन कोशिशें की। 3 माह के बाद वापस लौट कर मैंने देखा कि मेरी मरीज़ा का बिस्तर किसी दूसरे ने ले लिया था। मैं सकते में आ गई। मेरे पास ये पूछने का हौसला नहीं था कि क्या हुआ। As I stood near the bed with several questions popping in my mind, I felt a gentle pat on my shoulder.
आई टर्न अराउंड एंड सी अ यंग वुमेन स्माइलिंग एट मी. आर यू लुकिंग फॉर योर पेशेंट? शी सेड एंड गेव मी अ बिग हग. थैंक यू फॉर एवरीथिंग यू डिड. आई नो यू डिड नॉट अलाउ देम टू मेक मी. जब अपने जहन में उभरते हुए कई सवालों के साथ बिस्तर के करीब खड़ी थी तो मैंने अपने कंधे पर हल्की सी थपकी महसूस की. मैंने मुड़कर एक नौजवान औरत को देखा जो मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी. क्या आप अपनी मरीज़ा को तलाश कर रही हैं? उसने मुझे कहा और ज़बरदस्त अंदाज में मुझे गले लगा लिया. हर उस काम के लिए शुक्रिया जो आपने किया. मैं जानती हूँ कि आपने उन्हें इजाज़त नहीं दी कि वो मुझे एक माजूर ज़िंदगी गुजारने की तरफ ले जाएं. टू मेक मी लीड अ क्रिपल्ड लाइफ. स्टूडेंट्स, देर आर सम डिफ़िकल्ट वर्ड्स, प्रोनंसिएशंस, मीनिंग एंड सिनोनिम्स रिलेटेड टू द पैराग्राफ नंबर 7. मिजरेबल काबिल रहम मीन्स डिप्रेस्ड. जस्टिफाई जवाब पेश करना. एक्सप्लेनेशन थ्रिल्ड पुरजोश होना. एक्साइट पॉपिंग जाहिर होना. अपेयरिंग रिकॉग्नाइज पहचानना. एक्नॉलेज करेज हौसला मीन्स ब्रेवरी. सो देर आर सम डिफिकल्ट वर्ड्स एंड देर आर सम टेंसेज. फर्स्ट वन इज मिजरेबल. ही हैड अ मिजरेबल चाइल्डहुड. सेकेंड वन जस्टिफाई. नो आर्ग्यूमेंट्स कैन जस्टिफाई अ वॉर. थ्रिल्ड ही वॉज थ्रिल्ड एट द ऑनर. स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स के सेंटेंसेस बना दिए हैं. बाकी जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स रह गए हैं आपने उनको खुद से कोशिश करनी है उनको सेंटेंसेस में कन्वर्ट करने की. और यहाँ पर जो भी प्रोनंसिएशन मीनिंग्स और सिनोनिम्स दिए गए हैं उनको आपने याद करना है और डिफ़िकल्ट वर्ड्स के स्पेलिंग्स भी याद करने हैं आपने. पैराग्राफ नंबर 9. आई स्टूड स्टिल अनटिल हर फैमिली केम अराउंड विद बिग स्माइल्स ऑन देयर फेसेस. Thanks to Allah, she was my patient. Standing and walking on her own feet, I could not recognize her without the machinery and tubes around her body. She walked on crutches, which she would leave in a few months. I was glad that my efforts bore fruit. But most of all, I was happy that Allah Almighty had helped me win a lost battle. मैं बेहरकत खड़ी रही यहाँ तक कि उसका ख़ानदान अपने चेहरों पर भरपूर मुस्कुराहटों के साथ मेरे इर्द गिर्द इकट्ठा हो गया. ओ खुदाया, तेरा शुक्र है. वो मेरी मरीज़ा थी जो अपने पाँव पर खड़ी थी और चल रही थी. मैं उसके जिस्म के गिर्द मशीनी निज़ाम और नलकियों के बग़ैर उसे पहचान ना सकी. वो बैसाखियों पर चलती थी जिन्हें वो चंद माह बाद छोड़ देगी. मैं बहुत खुश थी कि मैंने उसके अज़ा को हरकत में रखने के लिए उसे वो वर्जिशें करवाई. और मैं खुश थी कि वो मेरी कोशिशें बराबर हुई. लेकिन सबसे बढ़कर मैं खुश थी कि अल्लाह पाक ने एक हारी हुई जंग को जीतने में मेरी मदद की. नाउ वी मूव ऑन टू द पैराग्राफ नंबर 10. She and her family had entered into a considerable bond of friendship with me. I was humbled by their sense of gratitude towards me. I felt a sense of renewed strength in me. Where there is a will, there is a way. I was proud that I am a nurse. वो और उसका ख़ानदान मेरे साथ दोस्ती के एक ज़बरदस्त बंधन में बंध गए थे. मैं उनके लिए मेरे लिए शुक्रगुजारी के एहसास से आजिज आ गई थी. जहाँ चाह वहाँ रह. मैंने एक नर्स होने पर खुद पर फ़ख्र महसूस किया. देर आर सम डिफ़िकल्ट वर्ड्स, देयर प्रोनंसिएशंस, मीनिंग्स एंड सिनोनिम्स रिलेटेड टू द पैराग्राफ नंबर 9 and 10. फर्स्ट वन इज़ क्रचेज. क्रचेज मीन बेसाखियाँ. स्पोर्ट मोशन हरकत मीन्स मूवमेंट. एफर्ट्स कोशिशें. अटैम्प्ट हम्बल आजिज. रिस्पेक्टफुल ग्रेटिट्यूड शुक्रगुजारी मीन्स क्रेडिट. रीन्यूड ताज़ा होने वाली. रीस्टैब्लिश स्ट्रेंथ ताकत और पार. वर्ड सेंटेंसेस. फर्स्ट वन इज क्रचेज. हर क्रचेज वर राइट बाय. सेकेंड वन मोशन. द ट्रेन जॉल्टेड इनटू मोशन. एफर्ट्स आई अप्रिशिएट योर एफर्ट्स टू हेल्प. सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको इस चैप्टर की समझ आ गई होगी. यहाँ हमारा आज 9 चैप्टर कम्प्लीट हो गया है. बेटा, जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको आपने अपने अच्छे तरीके से याद करना है. सिनोनिम्स को याद करना है. इन डिफ़िकल्ट वर्ड्स के स्पेलिंग्स को याद करना है. और जितने भी सेंटेंसेस रह गए आपने उनकी खुद से घर पे प्रैक्टिस करनी है.
ताकि आपकी वोकैबलरी अच्छी हो, आपकी राइटिंग स्किल्स जो है वो इम्प्रूव हो सके। बच्चों, आपके लिए हर मज़मून की वीडियोस इसी यूट्यूब चैनल पर दस्तयाब हैं। आप अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। अगर आपको वीडियोस पसंद आएँ तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली हर वीडियो से आगाह रहें। शुक्रिया।